भोपाल में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पत्नी साधना सिंह के साथ अपने आवास पर धनतेरस की पूजा की। इस मौके पर सीएम अपने परिवार के साथ न्यू मार्केट पहुंचे और खरीददारी की। सीएम ने चांदी के सिक्के खरीदकर दुकानदार को कैशलेस पेमेंट किया और लोगों से भी कैशलेस पेमेंट करने की अपील की। एमपी के ग्वालियर में धनतेरस के मौके पर गरीबों को तोहफा मिला है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए गए आवास में 2706 परिवारों को गृह प्रवेश कराया। केंद्रीय पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बरई में आयोजित एक समारोह में इन परिवारों को गृह प्रवेश कराया। एमपी के खरगोन में जिला हॉस्पिटल में इलाज के दौरान बच्चे की मौत पर जमकर हंगामा किया गया। गुस्साए परिवार वालों ने हॉस्पिटल परिसर में जमकर तोड़फोड़ की और हॉस्पिटल स्टाफ के साथ मारपीट की। नाराज लोगों ने जिला अस्पताल के बाहर खड़े 3 वाहनों को भी नुकसान पहुंचाया। मौके पर पहुंची पुलिस ने तोड़फोड़ करने वाले 3 लोगों को हिरासत में लिया है। एमपी के जबलपुर में विक्रम चांगले नाम के आरक्षी ने पुलिस क्वार्टर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सुसाइड नोट में उसने अपनी मौत के लिए किसी को भी जिम्मेदार नहीं ठहराया है। बताया जा रहा है कि त्योहारों के चलते उसे छुट्टी नहीं मिली, जिससे उसने तनाव में खुदकुशी कर ली। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। एमपी के ग्वालियर में एक तांत्रिक पर कारोबार में लाभ का झांसा देकर 1 करोड़ की ठगी करने का आरोप लगा है। आरोप है कि पूरे परिवार को तांत्रिक ने गुमराह कर ठगी की और साथ ही कारोबारी की पत्नी के साथ अश्लील हरकत भी की। आरोपी तांत्रिक का नाम दिलीप सिंह धाकड़ है, जो गोहद का रहने वाला है। फिलहाल पुलिस आरोपी तांत्रिक की तलाश में जुटी है। राजस्थान के मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने राज्य के कर्मचारियों को धनतेरस पर बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने 7वां वेतन आयोग लागू कर दिया है, जिससे करीब 12 लाख से ज्यादा कर्मचारियों और पेंशनर्स को फायदा होगा। 7वां वेतन आयोग लागू होने पर कर्मचारी संगठनों ने मुख्यमंत्री राजे का आभार जताया है। राजस्थान के चुरू में खेत में बुआई का काम करते समय ट्रैक्टर पलट गया। हादसे में ट्रैक्टर चालक सहित 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें वहां मौजूद लोगों ने तारनगर अस्पताल पहुंचाया, जहां ट्रैक्टर चालक को मृत घोषित कर दिया गया। जयपुर में एक मूंगफली की गोदाम में आग लग गई। पुलिस और दमकल की आधा दर्जन गाड़ियों ने 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। आग के चलते लाखों रुपए की मूंगफली जलकर राख हो गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। राजस्थान के चुरू जिले के बूटिया गांव में विवाहिता की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। मौके पर पहुंचे पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर राज के डीबी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। विवाहिता के परिवार वालों ने ससुराल वालों पर दहेज हत्या का आरोप लगाया है। राजस्थान के बूंदी में 4-लेन हाईवे स्थित बंसोली मोड़ के पास एक बुलेरो ने एक बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में मौके पर ही बाइक सवार महिला की मौत हो गई, जबकि एक बच्चे समेत दंपति घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।